तो फाइनली हमें बोल्ट से रिलेटेड एक अनाउंसमेंट हो गई है, जिसका वेट हम बोल्ट फैंस को तो था ही, बट अब इसके अनाउंसमेंट के बाद और जितने लीक्स आए हैं उसके बाद जितने भी नाल्टो फैंस हैं वो भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ नाल्टो शिपुडिन की तरह लग रहा है और इसका नाम होने वाला है बोल्टो टू ब्लू वॉर्टेक्स। इसका नाम तो बहुत ही ज़्यादा फैंसी है, बट इसके जो लुक्स आए हैं फर्स्ट लीक में वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। हम इसकी स्टोरी के बारे में पूरी तरह से बात करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रो। तो जो नया चैप्टर आया है, कुछ लोग उसे चैप्टर 81 कह रहे हैं, बट कुछ लोग उसे बोल्टो ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 1 कह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने पुराने बोल्टो से एसोसिएट भी नहीं करना चाहते, वो थोड़ा सा काइंड ऑफ सही नहीं था। बट अगर हम बोल्टो में मांग की बात करें वो पिछले कुछ चैप्टर से भी अमेजिंग जा रहा है। और फाइनली टाइम स्केप इज़ हियर, हम टाइम स्केप का वेट बहुत ही ज़्यादा टाइम से कर रहे थे, बट नाउ टाइम स्केप इज़ हियर और इसके पहले चैप्टर का लीक आ चुका है, जिसमें कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल पे बातें चल रही हैं। हमें लगभग सारे कैरेक्टर्स का कैरेक्टर अपीयरेंस रिवील कर दिया गया है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये बताया जाता है कि इसमें 4 साल का टाइम स्किप दिया गया है, यानी कि सभी कैरेक्टर्स को 4 साल ग्रो करने का टाइम मिला है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इन 4 सालों में कैरेक्टर डिज़ाइन कितना चेंज हुआ है। और हमें यहाँ पे बोरुटो, सारदा, कोल्ड, सुमिरे एंड हिमावारी का भी कैरेक्टर डिज़ाइन लीक हो गया है। बट यहाँ पे जो सबसे मेजर बात है कि नया होकागे कौन बन, बहुत ही टाइम से ये बहुत सारी थ्योरी चल रही थी कि नया होकागे कौन बनने वाला है, बट ये फाइनली रिवील हो चुका है। तो बोल्टो के लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 80 में हमने देखा था कि बोल्टो थोड़ी ज़्यादा ट्रबल में फंस चुका था, क्योंकि वो खुद को पाता है वहाँ पे जहाँ पे कावाकी को होना चाहिए, बट ओचोत्सुकी की पावर यूज़ करने के बाद कावाकी ने बोल्टो और अपने प्लेस को चेंज कर लिया था और पूरे विलेज के लिए बोल्टो बन गया था एक ट्रेडर, एंड कावाकी बन जाता है नाल्टो का बेटा, जो कि कावाकी उज़ुमा की बन जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्ड अप हो चुका है। और यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फाइनली अब हम आते हैं चैप्टर 81 पे। तो बोल्टो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 1 स्टार्ट होता है विद द जहाँ पे हम देखते हैं ड्रिप बोरुटो को, जो कि ऊपर से नीचे तक ड्रिप लग रहा है और उसका पूरा कैरेक्टर डिज़ाइन रिवील हो चुका है। एंड ये सारे फैंस को पसंद भी आ रहा है, क्योंकि सारे फैंस इसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हम ओपनिंग सीन देखते हैं जहाँ पे हम कोनहा विलेज को देखते हैं, जो कि पहले के बातों से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, और वहाँ पे शारदा खड़ी है न्यू होकागे के सामने, जहाँ पे हम होकागे का फेस नहीं देख सकते हैं। बट नेक्स्ट ट्रायल में हम देखते हैं कि शारदा उसे बहुत ही ज़्यादा डांट रही है, उस पर चिल्ला रही है, ये बता रही है कि बोल्टो को एक और चांस मिलना चाहिए उसे खुद को साबित करने के लिए, उसे खुद को सही प्रूव करने के लिए। बट हम देखते हैं न्यू होकागे को, जो कि है कोई और नहीं हमारा शिकामारू। यस, हमारा शिकामारू नया होकागे बन चुका है, 8th होकागे। और वहाँ पे शारदा शिकामारू को बोल रही है कि बोल्टो ट्रेड नहीं है, मिस्टेक है खुद पे, बट शिकामारू बिल्कुल नहीं सुनता है, उसकी तो मेमोरी चेंज हो चुकी है। तो वो बोलता है कि अब बोल्टो एक ट्रेडर है और इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। बट वहीं पे शारदा कहती है कि मेरे फादर भी एक टाइम पे ट्रेडर थे, बट लॉर्ड 7th ने उन्हें चेंज किया और वापस विलेज में लेके आए, एंड मैं बोल्टो के लिए भी बिल्कुल वैसे ही करने वाली हूँ। शारदा ने कहा कि मेरे रोल मॉडल लॉर्ड 7th है, आप या तुम नहीं, यू नो, ये इतना ज़्यादा फनी है ना। तो इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कावाकी को, और कावाकी का टाइम स्किप डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा ड्रिप लग रहा है, क्या ऑसम कैरेक्टर डिज़ाइन से सारे कैरेक्टर्स के। तो यहाँ पे कावाकी इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा यंग और मैच्योर लग रहा है, जो कि बहुत अच्छा उसके कैरेक्टर के लिए। और हम यहाँ पे नाल्टो और हिनाटा को भी देख, भाई यहाँ नाल्टो कितने दिन यहाँ पे रहेगा, और जहाँ जैसे हमने उसे पिछले मांगा में देखा था वो अभी तक वैसा ही है, क्योंकि वहाँ पे टाइम चेंज नहीं हो रहा है। और कावाकी बस उन्हें विजिट करता है, एंड सीन ट्रांजिशन में आता है और हम देखते हैं शारदा और सुमिरे को, जो कि आइडा और डायमोंड से बात कर रहे हैं कि जो रीराइट हुआ हिस्ट्री को वो क्या उसे नॉर्मल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या आइडा उसे रिवर्स कर सकती है क्या। वो उसके बारे में रीज़न पूछ रहे कि क्या कुछ हो सकता है, क्या स्लाइटली कोई चांस है, कोई पॉसिबिलिटी,
कोई तरीका जिससे हम इसे वापस चेंज कर सकते हैं या सही कर सकते हैं। बट आइडा बोलती है कि नहीं, अब इसे चेंज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये एक पुराने शिंजुत्सु का यूज़ करके किया गया है। बट वहाँ पे आइडा क्यूरियसली पूछती है कि सुमिरे को एंड शारदा को कि वो कैसे उसकी इस रीराइट ऑफ हिस्ट्री से बच गए, क्योंकि आइडा ने उन्हें बताया कि वो सिर्फ उसके सिबलिंग्स पे काम नहीं करते हैं, बट शारदा एंड सुमिरे कैसे बच गए। बट यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे आइडा उन दोनों से पूछती है कि क्या सुमिरे एंड शारदा को आइडा पे क्रश है। तो यहाँ पे क्या और है ये मुझे भी नहीं पता, ये तो वही स्टोरी लाइन ही पता चलेगा कि इन दोनों के कैरेक्टर क्या हैं। एंड अगेन नेक्स्ट चैनल में हम देखते हैं मित्सुकी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेड है अपने डिज़ाइन में। वो अब थोड़ा सा ज़्यादा नेचरिस एंड डीप लग रहा है और वो बोल्टो को मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा है। वो बोल रहा है कि जैसे ही वो बोल्टो को खोज लेगा वो उसे ख़त्म कर देगा, उसके लाइफ को एंड कर देगा। ये देखना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि ये वही मित्सुकी है जो पिछले चैप्टर्स में बोल्टो के लिए अपनी जान तक दे सकता था, बट इस चैप्टर में वो बोल्टो की जान लेना चाहते हैं। ये थोड़ा सा कहना सैड है, बट वी हैव टू गो विद द फ्लो। बट यहाँ पे कावाकी ये मेंशन करता है कि बोरुटो उसकी सेंस को वो अवॉइड नहीं कर सकता है। जब बोरुटो इस विलेज में एंटर करेगा तो कावाकी को इंस्टेंटली ही पता चल जाएगा कि बोरुटो इस विलेज में आ रहा है और वो उसे फाइट कर लेगा या उसे रोक देगा, वो बात की बात है। बट यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि कावाकी उड़ रहा है, जो कि शिनोबीज नॉर्मली नहीं करते, क्योंकि सभी शिनोबीज का उड़ने की पावर नहीं होती है। बट मे बी ये उसके ओचोत्सुकी पावर की मैनिफेस्टेशन का कारण हो, क्योंकि वो हाफ ओचोत्सुकी तो बन ही चुका है, तो मे बी वो फुल ओचोत्सुकी में कन्वर्ट हो रहा हो या ओचोत्सुकी की बाकी एबिलिटीज़ भी उसके अंदर डेवलप हो रही हो, तो ये उसी से रिलेटेड कुछ कारण है। बट हम देखते हैं कि कावाकी उड़ के वहाँ से दूर जा रहा होता है और हम फिर देखते हैं कोनोहा विलेज को, जो कि पूरी तरीके से कियोस से भरा पड़ा है और वहाँ पे अटैक कर दिया है टेंटेल सोल्जर्स ने। अगर आपको याद नहीं होगा तो पिछली बार हमने देखा था कि कोड ने एक टेंटेल को डिवाइड कर दिया था अपनी पूरी आर्मी में, और वहाँ पे हमने देखा था कि उसके जो मिनियंस हैं वो थोड़े से ह्यूमनॉइड की तरफ दिख रहे हैं, बट वो फिर भी टेंटेल्स के मिनियन हैं, और उन्होंने अटैक कर दिया है कोनोहा पे। और वहाँ पे हम देखते हैं कि स्ट्रीट्स पे सारे भीड़ लग चुकी है और सब भाग रहे हैं इधर उधर, और वहीं पे हम देखते हैं कि इन सब के बीच में शारदा वहीं पे खड़ी हो जाती है अपने सारे विलेजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट वहीं पे जैसे ही मिनियन पे अटैक किया जाता है, उन्हें पता चलता है कि इसके पास बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की रीजनरेटिंग एबिलिटीज़ हैं, वो तुरंत में अपने किसी बॉडी पार्ट को रीग्रो कर सकते हैं। और इस क्रिटिकल सिचुएशन में एंड देन इन्हीं सोल्जर्स में से एक से निकलता है हमारा कोड, और वो आते ही बोलते हैं हेलो देयर शारदा उचिहा, और ये थोड़ा ज़्यादा बैडास हो गया। हमें कोड का नया कैरेक्टर डिज़ाइन में देखने को मिल जाता है, जो कि वही सारे कैरेक्टर्स की तरह बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कर दिए गए हैं। और हम देखते हैं कि इसके आँख पे एक मार्क भी लगा है, यानी कि टाइम स्किप की ड्यूरेशन में इसके किसी के साथ फाइट भी हुई है। और इसके बाद कोड अटैक करता है हमारी शारदा पे, वो बोलता है कि बोरुटो कहाँ है, और यहाँ पे शारदा इनसे कहती है कि उसे भी नहीं पता कि बोरुटो कहाँ है और वो क्या कर रहा है। बट यहाँ पे कोड बोलता है कि अगर मैं तुम्हें पकड़ लूँगा या तुम पे अटैक करूँगा तो बोरुटो तुम्हें बचाने ज़रूर आएगा और मैं बोरुटो को पकड़ लूँगा। और गेस व्हाट, क्या होता है, बोरुटो हवा से लैंड करता है सीधे कोड के फेस, बोरुटो की लात और कोड का फेस एक हो चुका। एंड अगर हम सिचुएशन की बात करें तो वहाँ पे कोड है जिसके दिया है, और वहीं पे कावाकी भी पहुंच चुका है जहाँ पे वो बहुत टाइम से नाउटो को खोज रहा है, और ये दोनों बोरुटो को मारना चाहते हैं। एंड हम देखते हैं कि शारदा बोरुटो को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक में है कि बोरुटो कहाँ से आ गया यहाँ पे, वो इतने सालों से गायब था और अचानक कोनोहा पे अटैक होता है और बोरुटो जस्ट वहाँ पे प्रकट हो जाता है। और हम वहीं पे देखते हैं कि बोरुटो खड़ा है और कावाकी वहीं पास में खड़ा है, और वो बोरुटो को बोलता है कि यू हैव फाइनली अपीयर्ड बोरुटो। एंड लास्ट टाइम हम बोरुटो का देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एंगर से कावाकी की तरफ देख रहा है। मे बी यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग फाइट देखने को मिले, बट ये तभी होगा जब हमें नए चैप्टर्स रिवील किए जाएंगे। और नए चैप्टर आने में, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ एक से दो दिन बचे हुए हैं, तो अगर इस चैप्टर का आपको फुल रिव्यू देखना है जिस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सॉरी ये थोड़ा बीच में आ गया,
बट अगर हम फाइनली चैप्टर की बात करें तो अगर इन लीक्स की बात करें तो ये लीक्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और नॉट फॉर मी, जितने भी नाटो एंड बोरुटो फैंस हैं ये लीक्स उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा एक्साइट कर रहे हैं। जितने भी एनिमे फैंस हैं वो सब इसके फर्स्ट चैप्टर के लिए वेट कर रहे हैं। एंड ये जितने भी लीक्स हमने देखे यहाँ पे, जितने भी नए कैरेक्टर्स का कैरेक्टर डिज़ाइन रिवील किया गया है एंड जितने भी कैरेक्टर्स के हमें सीन्स दिखाए गए हैं यहाँ पे, ऐसा किया गया है कि राउंड अप करके हमें सभी कैरेक्टर हमें थोड़ा थोड़ा बता दिया गया है। यानी कि इतने टाइम स्किप के बाद हम पूरे सिचुएशन पे हमें एक अच्छा ग्रास्प मिला है एंड आई एम श्योर ये अमेजिंग जाने वाला है। मैं बोरुटो के ब्लू वर्टेक्स को पढ़ने वाला हूँ। भले कुछ लोग बोल दें कि बोरुटो अच्छा नहीं है, बट जो जिस लेवल की लीक्स यहाँ पे प्रेजेंट की गई है, अगर इस लेवल का चैप्टर हुआ तो मे बी बोरुटो का फैन बेस वापस आ सकता है एंड जितने भी नारुतो फैंस है वो बोरुटो फैंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो चैप्टर 1 आने वाला है ब्लू वर्टेक्स का, उसका फुल एक्सप्लेनेशन प्लस डिटेल वीडियो चैनल पर ज़रूर आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर अमेजिंग एनिमे कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।